बहुत बधाई हो दिवाली की और अन्नकूट की आज, और सभी को मैं छोटी दिवाली बड़ी दिवाली अन्नकूट की भैया दूज की पूरे मेरे परिवार की तरफ से पूरे हलका वासियों को, सिरसा वासियों को, प्रदेश वासियों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करता हूँ, भगवान राम से प्रार्थना करता हूँ कि मेरा प्रदेश दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे और ऐसे ही हरियाणा के अंदर भाजपा सरकार आती रहे और ऐसी लोगों की सेवा करती रहे। और भाजपा सरकार बहुत बढ़िया सरकार है जो काम कर रही है, लोगों के सुख दुख में काम कर रही है। तो मैं उन सभी टीम का जिन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया उनका भी मैं आभार प्रकट करता हूँ। आज एलनाबाद हल्के तो बहुत ज़्यादा भीड़ उमड़ी हुई है, की कहना चाहोगे की जी? देखिए आज आप देख रहे हैं जी, बिल्कुल एलनाबाद की सेवा करेंगे तन मन धन से। मेरे को इन्होंने बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया है, मैं सोच भी नहीं सकता, ना मेरा परिवार सोच सकता, जिन्होंने ना भाजपा परिवार ने जो मुझे साथ दिया है मैं सोच भी नहीं सकता। तो हम इनकी तन मन धन से जो भी हमने इनसे वायदे किए हैं या भाजपा की जो हमारी परिवार की टीम ने किए हैं, हलोपा टीम ने किए हैं, जेजेपी की टीम ने किए हैं, हम इनके सभी वायदे पूरे करेंगे। और आज ये सभी मुझसे राम राम करने आए हैं, मैं इनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। सीएम की समस्या मुख्यमंत्री जी ने खत्म कर दी है, 98 करोड़ का प्रोजेक्ट जो लगभग 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है शुरू हो चुका है, एक टेल पे पानी पहुंचाने का काम भी हो चुका है और कुछ काम है वो अब 10 तारीख के बाद, अभी सोमवार तक तो छुट्टियां हैं, उसके बाद रूटीन में जाएंगे, चंडीगढ़ जाएंगे एक बार दौरे का करके, हल्के का दौरा, हल्के में जाके लोगों के सुख दुख में बीच में जाएंगे, लोगों से पूछेंगे भी आपके किस गाँव के क्या काम है, क्या चीज़ चाहिए उस गाँव में, वो जाके मुख्यमंत्री जी के पास रखेंगे और वो जल्द से जल्द पूरी करेंगे इनकी। एक जो पीटीआई टीचर लगातार धरने पे बैठे ने, उनका मतलब मैं बहन जी देखो अभी तक मैं उस चक्कर में ना गया हूँ, ना मुझे इतना वो है, अभी जाएंगे लोगों के पास, आपको पता है अभी एकदम 20-25 दिन लोगों के सुख दुख में रहे हैं और लोगों ने इतना बड़ा आशीर्वाद दिया। आज आप देख रहे हैं कितनी तादाद में, हजारों की तादाद में आज एलनाबाद हल्का मेरे पास आया आशीर्वाद देने, तो मैं इनका आभार प्रकट करता हूँ।